सलाम नमस्ते सत श्री अकाल सारिआं नूं वेलकम बैक टू आवर चैनल ब्लिसफुल फ्लेवर्स। मैं अमनदीप और मेरा छोटू जिहा सू शेफ मानो। अज जिहड़ी आपां रेसिपी लैके आए हैं वो हैगी है बहुत ही ईजी और टेस्टी वाली ब्रेकफास्ट की रेसिपी। वैसे तुसीं चाहो तो इहनूं एज ए ईवनिंग स्नैक या लंच भी सर्व कर सकते हो। अज आपां बनावांगे पालक का चीला। सो जिहड़ा पालक चीला है ये बेसन चीले का ही एक वर्जन है। बेसन चीला काफ़ी पॉपुलर रेसिपी है राजस्थान तो बिलोंग करती हुई एंड आपू पंजाब भी वैसे बनाते हैं एज ए बेसन का पूड़ा कह के। सो थोड़ा जहा इनग्रीडियंट्स का डिफरेंस होंगे बाकी ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं होंगे है। सो अज आप बनावे पालक चीला। वैसे तो ये ग्लूटन फ्री एंड हाई प्रोटीन रेसिपी है बट आप पालक इस एड करा वो प्रोटीन भी एनहांस होएगा इस आयरन भी एनहांस होएगा प्लस एदा टेस्ट एनहांस हो जाएगा। सो जो सिंपल बेसन का चीला है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा टेस्टी और ज़्यादा ईजी लगेगा। सो आप फटाफट इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तुसी नीचे कमेंट करके जरूर दसना कि तुहानू ये रेसिपी किदा दी लगी। नाल दी नाल मेरे चैनल में लाइक शेयर कमेंट एंड सबसक्राइब जरूर करना। सो लैट स्टार्ट आर रेसिपी। पालक चीला बनाने के लिए सब तो पहला तो आप एक बोल लैके वो एक कप बेसन का पा लेंगे। नाल आप थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करांगे तो विस्क करके अच्छी तरह थिन बैटर बना लेना। बैटर ना ज़्यादा थिक होना चाहिए ना ही बहुत ज़्यादा थिन होना चाहिए सलरी की तरह। बैटर अपना बस पकौड़े के बैटर नालों थोड़ा जहा थिन होना चाहिए तो आप स्मूथ बैटर बनावांगे सो दैट कि वो बेसन दियाँ गुठलियाँ ना रह जान यानी कि लंप्स ना रह जान। हुण जिहड़ा बेसन का चीला है ना चाहे तुसीं किसी भी फ्लेवर का बना लो बट ये बहुत ही ईजी हुंदा है और इहदा बेस सेम ही रहिंदा है कि हमेशा आप बेसन विच ही आ पाना है पानी पा के सलरी बना के उदे विच थोड़े जे इनग्रीडियंट्स ऐड करके फिर आप इहदे विच कुछ भी पा सकते हैं होर भी वो तुसी अपनी चॉइस नाल सब्जियां एडजस्ट कर सकते हो। हुण चाहो तो तुसी पालक नूं प्यूरे करके भी पा सकते हो बट अज मैं सिंपल वाला बेसन का पालक चीला बना रही हाँ। एंड ये जिहड़ा बेसन का पालक चीला है ना ये बहुत ज़्यादा फेमस है राजस्थान के एरिए च। राजस्थान च क्योंकि सब्जियां घट हुंदियां ने उत्थे इन्नी ज़्यादा गर्मी पैंदी है उत्थे सब्जी उगदी नहीं बहुत ज़्यादा। सो इस चक्कर च की हुंदा कि उन्होंने बहुत सारिया रेसिपीज़ एहो जिहियां डेवलप कर लिया जिहड़ियां सिर्फ बेसन नाल ही बन जांदियां जिवें गट्टे गट्टा पुलाओ बेसन की कढ़ी राजस्थानी मुठिया बन जाते हैं बेसन का ढोकला बन जाता है फिर बेसन का चीला बन जाता है। ईवन वो कढ़ी विच भी पकौड़ियां की जगह चीला ऐड करके कढ़ी बना लेंदे ने। सो अज आप जो बना रहे हैं बेसन का चीला ये अपने पंजाबी बेसन के पूड़े नाल भी काफ़ी हद तक मिलता जुलता है। हुण देखो मैं ये मसाले पाए थे मैं थोड़ी जी कश्मीरी रेड चिली पाउडर पाई सी क्योंकि मैं कलर चाहिए अच्छा बट तुसी चाहो तो जे तुहानू तिखा पसंद है तुसी नॉर्मल रेड चिली पाउडर भी पा सकते हो। विच आपां थोड़ी हल्दी पाई नमक पाया नाल आपां एक कप विच पालक बरीक कट के पाई विच आपां थोड़े जे प्याज भी पाए ने ते मैं पाई है थोड़ी रेड वाली चिली थाई चिली क्योंकि मेरे को ग्रीन नहीं सी तुहाडे को ग्रीन सी ते तुहाडे को ग्रीन हैगी है ते तुसी ग्रीन वाली ऐड करो। हुण आ जिहड़े सारे इनग्रीडियंट्स पाए ने इहनां नूं तुसी अपने अकॉर्डिंग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इहनां दा प्रोपोर्शन एडजस्ट कर सकते हो। हुण मिक्स करन तो बाद आपां थोड़ी देर साइड ते रख लिया कि 5 मिनट्स के लिए बेसन थोड़ा है सैटल डाउन हो जाए। एंड हुण आपां एक पैन दे विच थोड़ा जिहा ऑयल पा के हीट कर लेंगे थोड़ियां जिहियां ड्रॉप्स पानियां ऑयल दियां लाइक हाफ टी स्पून तो भी घट पावांगे बहुत ज़्यादा नहीं पाउणा जे तुहाडे कोल नॉन स्टिक पैन है जे तुहाडे कोल दूसरा पैन है फिर तुहानूं थोड़ा जिहा ज़्यादा ऑयल पाउणा पै सकदा है। हुण आपां इहदे विच पावांगे 2 सर्विंग स्पून बैटर ते बैटर पाने तो बाद इहनूं आपां अच्छी तरह राउंड शेप च स्प्रैड कर लेंगे बहुत ही हल्के हाथ नाल स्प्रैड करना अदरवाइज़ नहीं तो चीला जिहड़ा हैगा उह सारा पैन दे नाल स्टिक कर जाएगा। सो तुसी शेप देनी है जिवें रोटी की शेप हुंदी ना उदां दा आपां राउंड शेप च कर लेना इहनूं ईवनली सो दैट कि इदां ना होवे कि विच्चों मोटा है या साइडां तों मोटा रह गया विच्चों थिन हो गया ईवनली इहनूं करना है स्प्रैड। फिर एक साइड कुक करन तो बाद उहदे आपां उहदे उपर थोड़ियां जिहियां ड्रॉप्स ऑयल दियां पा के उहनूं फ्लिप कर लांगे। आ मेरा जिहड़ा सीगा आ देखो बेसन दा पूड़ा थोड़ा जिहा क्रैक हो गया क्योंकि मेरा पैन इन्ना ज़्यादा गर्म नहीं सीगा पर तुसी प्रॉपर पैन गरम करना है। सो मैं चांदी ते वीडियो कट भी सकती सी पर मैं इसलिए रखी है ये शॉर्ट कि तुहानू पता लग जाए कि जे पैन घट गरम है तो इदां दीआं गलतियां हो जांदियां ने। सो आपां दोनों साइडां तो अच्छी तरह कुक करन तो बाद इहनूं ट्रांसफर कर लेंगे एक साफ प्लेट के विच। हुण जिहड़ा बाकी दा बैटर है उहदे नाल भी आपां सेम ही प्रोसैस करांगे कि पहलां थोड़ा जिहा ऑयल पा लिया
फिर उसके उपर बैटर पोर कर लिया, फिर आप शेप दे दी, फिर आप थोड़ा जहा होर ऑयल दिया ड्रॉप्स लगा के तो उन्होंने फ्लिप करके तो दोनों साइडा तो कुक कर लेना है। तो इदा आप सारे बैटर के बेसन के पूड़े या फिर बेसन पालक के चीले बना सकते हैं। एंड जिन्ना आप बैटर बनाया ए चार या फिर पांच बनते हैं बेसन के चीले, डिपेंड करता है तुसी किन्ना थिक ते किन्ना थिक रख थिन रख रहे हो। हुण ये सी अपनी बेसन के चीले की रेसिपी। हुण नाल आपां गल करते हैं कि ये जिहड़ी रेसिपी हैगी है ये अपने पंजाब दे विच भी बहुत पॉपुलर हैगी है। सौण दे महीने विच ना जदों मिठे पूड़े बनते हैं तो मोस्टली अपनियां दादियां नानियां की करदियां हुंदियां सी, और नाल बेसन का भी थोड़ा जिहा बैटर रेडी कर लैंदे सी। सिंपल बेसन का विच कुछ नहीं सी पाते, बेसन विच सिर्फ मसाले जे पा के उहदा बैटर रेडी कर लैंदे सी। ते जदों मिठे पूड़े बनाने ते नाल उन्होंने ना ए वाले पूड़े भी बनाने, नमकीन पूड़े, ते सारिआं नूं ब्रेकफास्ट विच देंदे हुंदे सी। अज कल थोड़ा जिहा ये चीज़ां घटदियां जा रहीआं ने, पर जे तुसीं देखो ते ये बहुत ही कल्चरल तो हैगियां ही सी, बट ये बहुत ही हैल्दी रेसिपीज़ हुंदियां सी। सो ये सी अपनी पालक चीले की रेसिपी। जे तुहानूं रेसिपी अच्छी लगी होवे ते इहनूं लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। एंड तुसीं बेसन दे चीले नूं चाहो तो चटनी सॉस जां फिर दही जां चाह जो भी तुहानूं पसंद है उहदे नाल सर्व कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो विच। टिल देन स्टे सेफ स्टे ब्लेस।